हक रागन
गुरु गोविंद सिंह। लो जी हेमकुंड साहब अलकनंदा नदी और अलकनंदा नदी वग रही है। ये किनारे से आप बना रहे हैं मैगी। आ सारी संगत अपनी आ रोजी बैठी आ डॉल्फिन ट्रप करमजीत और इवरन पल्लवी हरदीप ये सारे बैठे ने। आप हूँ रात नू लोकी कैंडल नाइट डिनर करते हैं। असी आपां टॉर्च लाइट मैगी का टेस्ट लवांगे वह भी अलकनंदा नदी के किनारे ते। और देखो दूर हेमकुंड साहब गुरद्वारा गोबिंद घाट वाला ते असी नदी के किनारे ते आके डिगदे ढेंदे ते आपां इह बना रहे हैं। ज़्यादा लाइट मारांगे ना कोई एवें चीज़ चूज़ चाहिए। सो पूरी फैमिली दे नाल बहुत मज़ा आ रहा ट्रैकिंग कम कैंपिंग। मैगी बन रही है वाह। तो आ देखो जी पूरा मज़ा लेंदे हुए इमरान पूरा एंजॉय। रमन शुक्र है कि मेरी भी किसी ने वीडियो बनाई है। इसदीप सिंह सर साढ़े नाल सांझे होए मैं उही कहन लगा ही पूरा मजा लै रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब आने वाली संगतों लई ट्रस्ट वालों कुछ जरूरी बेनतियां ने जो आप जी के माध्यम राही संगतों के अगे रखने की कोशिश करांगा। सब तो पहला है कि श्री हेमकुंड साहब के चौगिरदे दे विच लगभग 4 फुट तो लैके 8-9 फुट तक बर्फ है। सो जिहड़ियां संगतां बिरध ने ज़्यादा छोटे बच्चे ने जां बीमार व्यक्ति ने मैं पिछले कई दिनों तो असीं देख रहे हैं कि बहुत सारे अजिहे रोगी आ रहे हैं जिन्हां नूं मेजर प्रॉब्लम है वड्डे रोग ने और फिर इत्थे आ के दिक्कत हुंदी है। ट्रस्ट नूं भी जिहड़ी हैगी है परेशानी हुंदी है ते यात्री नूं भी कई वार तां इदां दी परेशानी हुंदी है कि जिहड़ी सांझी करनी भी असीं ठीक नहीं समझदे हां। तो ये जीवन है बार बार नहीं मिलता भाई। सो कोशिश करो कि जिहड़े बीमार व्यक्ति ने जां जिन्हां नूं कोई मेजर रोग ने वो थोड़े समय लिए अपनी यात्रा नूं अगे पा लैण। दूजी बेनती है कि पहाड़ी खेतर है पहाड़ी खेतर होने कारण कई बार नैटवर्क की प्रॉब्लम होंदी है हर एक जगह ही है। सो गोबिंद घाट तो मैं तो कहाँगा कि गोबिंद घाट भी जिहड़ा ATM है वह भी प्रॉपर कई बार सर्विस विच नहीं हुंदा। सो आप जी यात्रा तो चलण तो पहला अपने को लोड़ींदा कैश जरूर ले लवो। जिस तरह के जिन्हें गुरुद्वारे रहना है जिसने होटल में रहायश करनी है घोड़ा कांडी हैलीकॉप्टर लेना है
तो हैलीकॉप्टर के लगभग 6000 रुपये चार्ज ने, तो जो घोड़ा उपर धाम तो रस्ते हेमकुंड साहब के रस्ते तक लेना तो 3000 रुपये वो भी चार्जिज है। अगर दो दिन धाम रुकना है तो 5-6000 रुपया होटल का भी लग जाता है। सो इस हिसाब न आप जी अपना पैसे कैलकुलेट करके कि इन्ना क पैसा सानू चाहिए हैगा, उन्ना क कैश पर हैड लेके जरूर चलो ता जो आप जी ने कोई दिक्कत ना हो। तीजी बेनती है कि पहाड़ों के पार्किंग की मेजर समस्या है। सो संगतां नूं बेनती है कि बजाए कि अपनियां एक एक गड्डी लेके उहदे विच दो दो व्यक्ति आ रहे ने जिहदे कारण गोबिंद घाट दे विच पार्किंग दी मेजर जिहड़ी प्रॉब्लम उह फेस करनी पै रही है संगतां नूं। सो आप जी अगर 5-7-10 बंदे इकट्ठे हो के एक टैंपू ट्रैवलर जां कोई नोवा गड्डी करके आ जाओ और उहदे विच आप जी दी हेडक भी घटेगी क्योंकि ड्राइवर दी सिरदर्दी आ, उहने गड्डी कित्थे लगाउणी आ कित्थे नहीं लगाउणी। सो अगर तुसीं ड्राइवर नाल लेके आओगे वड्डी गड्डी विच आओगे दो फैमिलियां होंगियां तां गुरद्वारा साहब नूं भी कमरे देण विच कोई दिक्कत नहीं हुंदी है क्योंकि दो दो मैंबर नूं अगर कमरा देंगे फिर इस तरह संगत जिहड़ी हैगी उह उहदे लई असीं रहायश है जिहड़ी उह पूरी नहीं कर पावांगे। सो अगर तुसीं आप जी परिवारां विच आउंदे हो इहदे नाल तालमेल भी वधदा है, तुहाडा जिहड़ा भरातरी भाव है उह भी वधदा है, समाज नूं भी इक चंगी सेध जांदी है। सो आस करदा कि इह मेरी गल नूं जरूर इस नूं फॉलो करोगे कि आप तुसीं रल मिल के जिहड़ा हैगा उह आओगे ते नाल ही हेमकुंड साहिब दी यात्रा करके जाओगे। एक बेनती जरूरी है कि पिछले 2-3 सालों तो ट्रस्ट दीआं अणथक कोशिशां कारण नैटवर्क की सुविधा जिहड़ी हैगी उह गोबिंद घाट गोबिंद धाम और हेमकुंड साहिब दे दित्ती गई सी, परंतु जिस चीज़ का फायदा है उसका नुकसान भी है, रब का नाम कोई नहीं लंदा प्यारे। सब अपने फोन पर फेसबुक पर बैठे ने और कई बार तो इदा का भी देखा है कि फेसबुक पर ऑनलाइन होए हुए हो और अगे ठेडा खा के संगत है जी थले डिग जाती है। सो मेरी बेनती है कि 2-3 दिन के लिए फोन अपने जो अगर ऑफ कर लो तो तुम्हें यात्रा का भी फायदा हो जाएगा और मैं लगता कि जिस काम आओगे वो काम जोड़ा है वो सही ढंग नेपरे चढ़ जाएगा। सो बेनती है कि फोन का जोड़ा यूज़ है ज लाइव होना है वह भी थोड़ा जहा गुरेज करो तो चंकी गल है, वाहगुरू का जाप कर लो। एक बेनती है कि 2.5 किलोमीटर का जोड़ा चौगिरदा है हेमकुंड साहब का वेद घोड़ा कांडी डांडी नहीं जाता है, कांडी तो जान लग गया लेकिन डांडी जी पालकी है और घोड़ा नहीं जाता है। सो कच्ची बार फोन कारण कई बार शामी जो 2-3 दिन लगातार धुप पी है तो कच्ची बर्फ है जी ग्लेशियर के रूप में मेल्ट होकर थले खिसकन का डर रहा है, पिछले एक इंसीडेंट होया भी है। सो संगतान बेनती है कि लगभग जदों आप जीनू यात्रा जिन्हें भी यात्री गए हुए उन्होंने गुरद्वारा स्टाफ ने बेनती कर दी कि भाई हूँ आप जी थले जाओ तो थले उतरन की कृपालता करो और कोशिश करो कि जो ग्लेशियर पॉइंट है वह 3 बजे तक तुम आप जी क्लीयर कर लो। भुलां चुकां की खिमा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Gobind Singh।